हापुड़ से खबर आ रही है, दूध का बॉयलर फटने से दर्जनों लोग हुए घायल, बताया जा रहा है जिसमें बच्चे भी थे शामिल। आइए देखते हैं क्या है खबर। दूध का बॉयलर फटने से दर्जनों लोग घायल, इसमें बच्चे भी हैं शामिल। फूड विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। मामला जनपद हापुड़ के थाना हाजीपुर क्षेत्र का है, गांव बड़ौदा सिहानी का है, जहां हुआ भयंकर हादसा। हादसे में बच्चों सहित दर्जन भर लोग बताए जा रहे हैं। इतना बड़ा धंधा किस किस शहर पर चल रहा था, ये बड़ा सवाल है। गांव बड़ौदा सिहानी में उस वक्त हादसा हुआ जब दूध का बॉयलर फटने से काम करने वाले लोगों सहित आसपास खेल रहे बच्चे भी चपेट में आ गए हैं। चपेट में आने से बच्चे सहित दर्जन भर लोग घायल भी हुए हैं। वहीं कई मकान भी ध्वस्त बताए जा रहे हैं। एक मकान की तो छत ही पूरी उड़ गई। सूचना मिलते ही मौके पे पहुंची पुलिस ने बच्चों सहित सभी घायलों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। फूड विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। आखिर किसकी शह पे चल रहा था इतना बड़ा धंधा। हापुड़ से अनुज चौधरी की रिपोर्ट। थाना हाबीपुर क्षेत्र गांव बड़ौदा सिहानी में बॉयलर फटा है, क्या मामला, कैसे हादसा हुआ, कितने लोग सुन रहे हैं? विनीत शर्मा है, तनाव कर्मी निरंजन शर्मा, गांव बड़ौदा सिहानी थाना। आज सुबह 8 बजे का एक दूध का प्लांट है जहाँ मावा बनाया जाता है, उसमें एक दुर्घटना घटी और जो उसका बॉयलर था वो जाकर के हावी है, उनके घर पर 300 मीटर दूरी पर। इसमें कुल 1 दर्जन से अधिक लोग घटे हैं। सबसे पहले पुलिस ने उनका रेस्क्यू करते हुए हॉस्पिटल भिजवाया है। 11 लोग मधु हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 4 लोग जरूर नहीं हैं, 1-2 लोग और हैं जिनको अभी कहते हैं। फिलहाल जो डॉक्टर से हमारी बात हुई है, सभी आउट ऑफ डेंजर हैं, उनका अच्छे से अच्छे उपचार चल रहा है। घटना किन कारणों से हुई, इसका तकनीकी कारण क्या है, विशेषज्ञों की टीम अभी आ रही है, उन्हें सूचना दे दी गई है, उसके बाद ही बताया जा सकेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वराज नाम। क्या हुआ था? ये हमारे गांव में शर्मा जी हैं, उनके जो बॉलर वॉलर चल रहा मावे का काम करते थे जी, तो उसमें तनमन का जो उस गेम ओवर हुआ, क्या हुआ है, क्या कमी आई, तो मुझे नहीं जानता ठीक। लेकिन बॉलर फट गया और फटने के बाद में जब उड़ा तो हमारे मकान पे आ गया। अच्छा, वहाँ बच्चे हमारे जो अपने घर में स्कूल तो खुल नहीं रहे। अच्छा अच्छा, तो बच्चे घर पर पड़ रहे। कितने बच्चे घायल हैं, बड़े कितने घायल हैं? ये अभी सही जानकारी नहीं मिल पा रही कितने करीबन, लगभग अभी 15 से 20 बच्चे 20-30 के बीच में घायल हैं, अभी सही जानकारी नहीं। क्या नाम है आपका? मारू जी, क्या हुआ, क्या मामला था? स्टीम फट रहा है। अच्छा, किस चीज़ की स्टीम? मावा फूट रहा था वहाँ से, गैस पहले गैस फटा हुआ या फिर स्टीम। अच्छा, कितने घायल हैं इसमें? तो हालत कैसी है उनकी? अभी तो हमने नहीं देखा, वहाँ तो देखा था लेकिन अस्पताल में नहीं देखा। अच्छा, गांव में ही मावा मनाया जा रहा था जी। तो कितने बच्चे कितने बड़े हैं इसमें? वो सब आपके सामने